घर में डेंगू ने दी है दस्तक। बड़ी खबर आपको राजस्थान के सिकंदरा से बता रहे हैं, डेंगू के डंक ने उड़ाई लोगों की नींद। जिले के हर घर में डेंगू का डंक, हर घर में दे दी है डेंगू ने दस्तक। भरतपुर बाइक सवार एक मंचले युवक को स्कूटी पर जा रही एक युवती पर कमेंट करना भारी पड़ गया। युवती के परिजनों ने मंचले युवक की जमकर पिटाई कर दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस। मंचले युवक मनोज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान के पाली पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत की मौजूदगी में जिला रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस शहीद दिवस मनाया गया। इस मौके पर पुलिस लाइन में पौधारोपण एवं रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विपिन शर्मा, पुलिस उप अधीक्षक शहर निशांत भारद्वाज की मौजूदगी में जिला रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस शहीद दिवस मनाया गया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक ने परेड की सलामी लेने के साथ शहीद पुलिस साथियों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पुलिस शहीद दिवस को लेकर पुलिस लाइन में रक्तदान शिविर और पौधारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। खबर पाली से है, जहां एक दिवसीय दौरे पर आए जिला प्रभारी मंत्री सालेह मोहम्मद ने जन सुनवाई कर नगरी परिषद आवासी पट्टे वितरित किए। साथ ही सुमेरपुर में नवनिर्मित उप स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया। वहीं तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ जलवितरण और डेंगू जैसी मौसमी बीमारियों के बचाव को सतर्कता के साथ व्यवस्था का उपचार के लिए चिकित्सा प्रशासन को निर्देश दिए। बता रहे हैं, इसके पश्चात उप विभाजन प्रमाण पत्र परिषद के माध्यम से कुल लाभार्थियों की सूची में नाम। नदबई में त्योहारी सीजन के साथ ही बाजार में भीड़ भाड़ शुरू होते ही बैंकों व बाजारों में लोगों की रेकी का चकमा देकर घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह भी सक्रिय होते जाते हैं। विगत कुछ दिवस से ही कस्बा क्षेत्र के अनेकों लोग ऐसी वारदातों का शिकार हो चुके हैं। इसी क्रम में कस्बा स्थित पीएनबी बैंक से 50,000 निकालकर बाइक द्वारा बिजली का बिल भरने के लिए पहुंचे किसान की बाइक के थैले में रखे पैसों के बैग को अज्ञात व्यक्ति ने बीच में चुरा लिया, जिसका मामला पीड़ित द्वारा नदबई थाने में दर्ज कराया गया। बैंक में और बैंक में सीसी फुटेज वाले ने देखे हैं और फिर मैं थाने गया हूं साहब, वहां एफआईआर दर्ज कराई है और कोतवाल साहब ने गाड़ी भेजी है, बैंक गए और वहां बिनते बातचीत करके वापस थाने आ गए। हाँ साहब, मेरे साथ ये घटना हुई थी। मैं खबर डूंगरपुर से है, जहां MBBS छात्र भिड़ गए हैं। आपस में सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्र की पिटाई कर दी। वहीं सदर थाने में पीड़ित छात्र ने 10 छात्रों के खिलाफ रिपोर्ट पेश की और कानून कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। रिपोर्ट में पीड़ित मयंक ने आरोपी सीनियर छात्रों पर जाति सूचक अशब्द बोलने का आरोप लगाया। किसने की आपके साथ मारपीट? हमारे कॉलेज के 18 एज के सीनियर्स हैं, सूरज बंसल, विक्रम परसानिया, संजय बड़बड़ा, ताराचंद चौधरी, धीरज देवंडा, क्या कहते हैं, अभिषेक मेहरा। किस किस को लेकर मारपीट हुई, क्या मामले को लेकर मारपीट हुई? मामले को मारपीट ये हुई कि मुझे पिछले एक साल से पहले से ये परेशान कर रहे हैं मुझे कि ये क्या कहते हैं जातिगत उस पे लेके कि तुम क्या कहते हैं पिछड़े आदिवासी यहाँ आ जाते हो पहले ये वो। तो आज भी ऐसा ही हुआ कि हमारे इससे पहले 12 तारीख को हम क्या कहते हैं 12 तारीख को क्रिकेट खेलकर यहाँ पे हमारे जो साथ में दोस्त थे उनको उनके पास बाइक नहीं, उनको वहाँ कॉलेज छोड़ने गए थे, वहाँ बाहर चाय की थड़ी पे बैठे थे। इतने में सूरज बंसल, धीरज देवंडा, कृष कुमार धाकड़ और इनके साथ अन्य और भी साथी थे, वो आए और वही इसी पर्पज से हमको आके जाति को जाति सूचक गालियां देने लगी, जंगली गवार हो यहाँ आ जाते हो ये वो क्यों आते हो। खबर पानीपत।